लगभग बाला वाली से लेकर आप लगा लीजिए रावली तक के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वो बरसात में बड़े परेशान होते हैं। उनकी परेशानी का मुख्य कारण होता है गंगा कटान। लगातार गंगा हर साल कटान करती है और ये जो ग्रामवासी हैं इनका नुकसान हो जाता है, इनकी संपत्ति का, इनकी मेहनत के कार्यों का, इनके मकानों का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हर साल गंगा कटान करती चलती है और बाला वाली क्षेत्र से लेकर रावली तक जो गंगा किनारे बसे हुए गाँव है उनकी यही समस्या है। और हर साल आप सबने भी ये मुद्दा सुना होगा कि जो कोहरपुर के ग्रामवासी हैं वो लोग अनशन पर बैठ गए थे, उन्होंने कहा कि वो आत्मदाह कर लेंगे यदि ये तटबंध का कार्य जल्द ही शुरू नहीं किया गया तो। तो आज हम कोहरपुर गांव में ही पहुंचे हुए हैं, आइए जानते हैं उनकी समस्याओं को। आखिर बहुत दिनों से ये समस्या चल रही है, तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अनशन पर बैठना पड़ा, या प्रशासन से क्या बात रही, क्या आश्वासन मिला, क्या तटबंध का कार्य हो पाएगा, जानते हैं इन्हीं ग्रामीणों से। तो आइए सबसे पहले हम आपकी बातचीत कराते हैं, एक युवा है रोहित जी जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया और इन्होंने आत्मदाह की धमकी भी दे दी। क्यों आखिर इन्हें इस तरह का कदम उठाना पड़ा और उसके बाद इन्हें नजरबंद कर लिया गया था, तो आइए इनसे सबसे पहले बात करते हैं। तो रोहित जी ऐसा क्या हुआ, ये तटबंध की समस्या तो काफी दिनों से है, तो आपने आखिर इस तरह का कदम उठाने की क्यों सोची, इस तरह की बात क्यों कही आपने? ये हमारे क्षेत्र में लगभग कई सालों से परेशानी आ रही है, लेकिन शासन प्रशासन अनदेखी कर रहा है। हमने 16 जून जब बरसात आई हुई थी डीएम साहब को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में साफ साफ स्पष्ट रख दिया था कि इस टाइम तक यदि हमारा काम चालू नहीं होता तो हम आत्मदाह करेंगे, लेकिन डीएम साहब ने हमें फिर भी आश्वासन दे दिया था कि 15 दिन में हम तुम्हारा काम कर देंगे। फिर हम गए 11 नवंबर को डिप्टी कलेक्टर साहब हमें मिले। डिप्टी कलेक्टर साहब ने ये कहता कि हम तुम्हें 6 दिन में तुम्हारे यहाँ तटबंध तैयारी हम करा देंगे, लेकिन ऐसा न होने पर गांव की समस्या को देखकर पूरी तरीके से आत्मदाही की चेतावनी दी। और मुझे 5 तारीख को पुलिस प्रशासन ने रात को 10 बजे उठा लाया, उनका मुझे फिर थाने में टॉर्चर करा गया। तहसीलदार मैडम आई और प्रशासन बहुत था वहाँ जो पूरी तरीके से खिलखिला हुआ था, लेकिन उनका साफ साफ स्पष्ट ये कहना था कि बेटा तुम क्षेत्र की समस्याओं को नहीं उठाओ, ये समस्या हमारी है और नौकरी करो, लेकिन नौकरी हम जब करेंगे जब हमारा गांव बचेगा, क्षेत्र बचेगा, मेन चीज़ है हमारा क्षेत्र। लेकिन शासन प्रशासन इस मतलब अनदेखी करेगा। आने वाली 1 तारीख जो हमने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ऐलान करा है, जब तक हम नहीं उठने गए जब तक हमारा काम चालू नहीं होगा। तो रोहित जी आप बार बार आत्मदाह की बात क्यों करते हैं? आत्मदाह तो कोई किसी बात का सलूशन आपको लगता है क्या, किसी बात का सलूशन है? आत्मदाह करने की बात तो गलत नहीं लगती आपको? गलत क्या है, बार बार मरने से बार एक बार ही मर लेंगे। तो देखिए मेरे ख्याल से तो ये युवा है रोहित जी और आत्मदाह की बात करना मुझे सही नहीं लगता। शासन प्रशासन से बात की जानी चाहिए, अपनी फाइलों को ऊपर तक पहुंचाना चाहिए और अगर सारे क्षेत्र के लोग मिलकर कहेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि शासन प्रशासन इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ करेगा। विधायक जी भी कई बार यहाँ पर आकर निरीक्षण कर चुके हैं, तो आइए और जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनसे जानते हैं। जी सर, तो सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम धर्मपाल सिंह चौहान जी। तो अच्छा धर्मपाल जी, जैसे यहाँ पर कटान होता है तो क्या क्या समस्याएं होती हैं? फिर समस्याएं तो फसल भी जल बुरद हो जाती है, गंगा कटाव में जब गांव जाता है तो गांव वालों तो सारी समस्या हो जाती है, वे बिना घर के हो जाए। पता नहीं कितनी बार गांव कट चुके, तीन तीन चार चार बार जा चुके और फिर हमें खुले आसमान के तले नीचे रहना पड़ता है। अभी पिछले वर्ष जो है 40-45 दिन धरना प्रदर्शन करा था वहाँ पर, क्या नाम, डेवलगढ़ राजा रामपुर में, तो वहाँ पर आश्वासन पूरे उसने प्रशासन नेता था, एसडीएम साहब ने भी, डीएम ने भी और एसपी साहब ने भी ये कह दिया था कि तुम्हारा तटबांध बाला वाली से और रावली तक बिल्कुल बन जाएगा और इसके लिए पैसा भी हमने मंजूर कर दिया है और पैसा भी वो फाइल जो है चालू हो गई है। अभी तक उसका कोई जब हमें जवाब नहीं मिला। अब पता चला है कि कोई भी फाइल नहीं चली और कोई काम नहीं हुआ। अगर हमारा ये तटबांध बालावाड़ी से लगा कर रावली तक नहीं बनता, हमारे गांव ऐसे ही कटते चले जाएंगे, तो हम ये 1 तारीख में हम आशा करते हैं कि सुनिश्चित हमने कर दी है, हम धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन करने फिर आमरण अनशन करेंगे और उसके बाद में फिर अगली प्रक्रिया भी शुरू करेंगे अगर काम नहीं होता तो। हमारे ये लगा कर 25-30 गाँव बालावाड़ी से लगा कर रावली तक अत्यंत परेशान हों, कई कई बार ये कट कर गंगा में गर्क हो चुके हैं। अगर सरकार इसका कोई इंतजाम नहीं करती, हो सकता है ये 25-30 गाँव आने वाले विधानसभा इलेक्शन में बहिष्कार कर सकते हैं। तो
हमारा समीक्षण है कहने का जो कि या तो सरकार हमारी बात को अनसुनी ना करो और ये तटबंध का काम शुरू करवा देवो, जहाँ वो फाइल रुकी हुई है या पैसा रुका हो रहा है उसको जारी करवा देवो। अगर ये काम नहीं होता और हम जो है यो पता नहीं है कि वो फाइल चली पैसा मंजूर होया या नहीं होया, या तो रोहित कुमार जी को जिन्होंने ये आमरण वो अनशन वो करी थी और इन्होंने आत्मदाह की चेतावनी भी दी थी, आत्मदाह की चेतावनी तो बाद की बात है, पहले तो हम ये काम करेंगे या तो हम इन रोहित कुमार जी को जो पता लग जावो कि फाइल चल रही या नहीं चल रही, पैसा आवंटन हुआ या नहीं हुआ। अगर ये भी पता नहीं चलता तो हम तो इसमें धरना प्रदर्शन करेंगे और ये हम काम जरूर करेंगे। अच्छा सर एक बात, धरना प्रदर्शन करने के लिए आप कह रहे हैं तो विधायक जी तो यहाँ पर आए हैं और जब गांव के लोग सभी यहाँ पर बैठ गए थे धरने पर तो अनेक प्रशासनिक अधिकारी भी आएंगे तो उन्होंने कुछ आश्वासन तो आपको दिया होगा और विधायक जी भी यहाँ का लगातार दौरा कर रहे हैं तो कुछ तो आश्वासन आपको मिले होंगे? आश्वासन बहुत मिले हैं जी हाँ। वो क्या नाम है, विधायक साहब ने तो ये बात कही थी कि कोई भी आदमी यहाँ से गंगा जी के डर के मारो मकान ना उखाड़ो, एक ईंट के बदले में दो ईंट दे जाएंगी। तो ये बात हम लोगों के सामने जब जो आई तो हमने सोचा गंगा जी का तो कोई समाधान है नहीं, वो तो ईंट का समाधान है। फिर यहाँ सांसद जी आए मलूक नागर जी, उन्होंने ये बात कहा कि भाई मेरी तो सरकार नहीं है ना मेरे पास कोई पैसा, मैं इसका कोई समाधान नहीं कर सकता। तो हमने कहा जी जो भी कोई गंगा का समाधान नहीं है, आपको जो हमने बुलाया तो हमारा बुलाने का भी कोई औचित्य नहीं रहा, हमने उन्हें भी ये जवाब दे दिया था। हम क्या करें, हम तो परेशान हैं, हमारी जवान बेटी हैं, जब गांव उजड़ जाएगा खुले आसमान के नीचे रहेंगे, किसी की इज्जत बेइज्जती कहीं हो, किसी की इज्जत बेइज्जती कहीं हो। अभी अभी कल की बात हो, नाव जो टकराई है डेबलगढ़ राजा रामपुर में, वे अस्पताल में जा पड़े। अगर कोई प्रशासन का कोई सरकारी नौकरी का या कोई MP MLA सरकार का अगर कोई दुर्घटना हो जावे तो सारे अधिकारी वहीं पहुंच जाओ, गांव वाले अगर 10-20 भी मर जावे तो उनका तो पोस्टमार्टम भी ना होता और ना उन्हें कोई वो मिले क्या नाम उसका मुआवजा मिले। अच्छा तटबंध के बनाने के लिए यहाँ पर हर साल तो बल्ली लगाई जाती है प्रशासन द्वारा, तो इसे क्या कहेंगे आप? ये बल्ली जो है जी हर साल ही, ये तो एक ही बार में साफ हो जाए, जो वो लगाए थे क्या नाम स्टड, तो वे स्टड भी गंगा में बह गए, कुछ दब गए, कुछ उनके ऊपर पानी फिर रहा, तो इन बल्लियों से पता क्या लगेगा? ये बल्ली तो ठेकेदार का मजा बना हुआ है, ठेकेदार इनसे रुपया ले ले है और वो ठेकेदार का घर बन जा, यहाँ बल्ली गाड़ कर चला जा और ये बल्ली पानी में बह जा। जो है गंगा जी के किनारे बसे हुए हैं खादर के हमारे, और ये गरीब लोग हैं, मुड़े वगैरह बनाते हैं और उससे ही अपना ये भरण पोषण करते हैं और इनकी खेती भी गंगा पार होती है जिससे इन्हें आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं। तो यही हमारा कहना है प्रशासन के से कि इस ओर ध्यान दिया जाए, और जैसे धर्मपाल जी ने बताया कि अगली 1 तारीख को 1 दिसंबर को ये लोग जो 25 गांव हैं लगभग मिलकर एक गोष्ठी करने वाले हैं और उसमें निर्णय किया जाएगा कि इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया जाए। अच्छा क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार 2013 में ये शिमला और फतेहपुर दोनों गाँव ढहे थे तो सरकार ने इनकी मजाक बनाई थी, केवल पत्ते फूस लगाए थे, बाकी स्टड का या कोई भी नहीं लगा था। ऐसी मजाक हमारे साथ मोरी कि यो भी गांव ढह जावे इनके साथ में, तो हम नहीं चाहते कि हमारा गांव ढहे। तो हम शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे इस टाइम, तो नहीं तो उसके बाद में हम पूरी चेतावनी एक 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 आदमी नहीं बल्कि पूरा गांव हम इसमें गंगा में समा जाएगा, हम क्या करेंगे बच के यहाँ फिर। तो हम शासन प्रशासन से बार बार यही गुहार लगा रहे कि हमारा ये तटबंध बन जाए यहाँ। देखिए दोस्तों, बाबू राम जी की बातों में एक ग्रामीण के दुख का आभास होता है, बहुत दुखी हैं ये और इनकी बातों से ही लग रहा है, और पूरे जो ग्रामवासी हैं अपना घर जो होता है उसे खोने का जो डर होता है वो लगातार इन ग्रामीणों के मन में बसा रहता है। तो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और हमारी आपसे यही इल्तिजा है कि आप लोग इनकी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनकी बात प्रशासन तक पहुँचे और प्रशासन जागे और इन लोगों की इस मांग को पूरा करने का प्रयास करे। धन्यवाद, नमस्कार।